दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसे औषधीय पौधे के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसके फल, जिसकी पत्तियाँ गुणों का भंडार है, औषधीय गुणों से भरपूर है। ये जो पत्तियाँ आप देख रहे हैं, ये पत्तियाँ हैं बेर की। बेर का जो पेड़ होता है दोस्तों, वहीं से मैं ये पत्तियाँ लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं छोटे छोटे से बेर लगना बस इसमें स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों जो हमारे आसपास कई फल ऐसे होते हैं जिनका जब सीज़न होता है बस 2-3 महीने ही वह फल देते हैं, बाकी समय सिर्फ उनकी पत्तियां लगी रहती हैं पेड़ में। आज मैं आपको इन्हीं पत्तियों के औषधीय गुण के बारे में बताऊंगी। जितना ज़्यादा बेर का फल उपयोगी होता है उसे कई गुना ज़्यादा बेर की पत्तियां के फ़ायदे हैं। बहुत ही गुणकारी है दोस्तों, और पूरे भारतवर्ष में हर जगह बेर का पेड़ पाया जाता है। इसकी पत्तियों को यदि आप सेंधा नमक के साथ एक पत्ती को, कोमल कोमल पत्ती को खा लेंगे ना, आप देखेंगे आपका गले का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा इसकी पत्तियों के बहुत से उपयोग हैं दोस्तों। इस्तेमाल करने से पहले आप इसकी पत्तियों को खूब अच्छी तरह से पानी से धो लें, इस पानी को फेंक दें और दोबारा फिर से साफ पानी डालें। जो लोग बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं, वज़न कम नहीं हो रहा है, उन्हें भी बेर की पत्तियों को पानी में उबालकर छानकर बेर का पानी ज़रूर पीना चाहिए। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, शरीर में जमे हुए फैट को तेज़ी से बर्न करता है बेर की पत्तियों का पानी, और वज़न को घटाने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ गैस चालू कर दिया है, पानी को यहाँ मैंने उबलने रख दिया है। स्लो फ्लेम पर कम से कम 5-7 मिनट बॉईल करें, छान लें और फिर आप इसे पी सकते हैं। इसके अलावा आपका गला बैठा है, गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, या फिर आपको दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द है, बेर के पत्तों को पानी में उबालकर हल्के गरम गरम इस पानी से गरारे कर लें, बैठा हुआ गला जो है ना आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या एक पत्ती को चबा लें, या फिर इस तरह से गर्म पानी में डालकर पत्तियों को उबालकर आप उसे गरारे कर लें, आप देखेंगे आपका जो गला बैठा हुआ, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है या मुंह से संबंधित कोई भी तकलीफ़ है, इस पानी से गरारे करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। औषधीय गुणों से भरपूर है। यदि किसी तरह का यूरिन इन्फेक्शन है दोस्तों, या फिर यूरिन में कुछ जलन सी है, तब भी आप इसकी एक पत्ती को चबा कर खाएं, या फिर बेर की पत्तियों का पानी आप पी लें, आपका बिल्कुल इन्फेक्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा मुंह से यदि बदबू आती तब भी आप इस पानी से गरारे कर लें, मुंह से जो बैड स्मेल आती है वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी, इतना फ़ायदेमंद है। मुंह से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करता है बेर की पत्ती का पानी। इसके अलावा यदि शरीर में कहीं बाल तोड़ हो जाता है, बाल तोड़ मतलब उस जगह पर घाव सा बन जाता है, बहुत बड़ा घाव सा हो जाता है, कई बार किसी भी शरीर के किसी भी अंग का कोई बाल ऐसा गहराई से जब टूट जाता है ना दोस्तों, तो उस फोड़े को बाल तोड़ कहा जाता है, वहाँ पर भी इसकी पत्तियों को पीसकर उसका लेप लगाने से बाल तोड़ का जो घाव है वो तुरंत ही ठीक हो जाता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों एक पत्ते को आप खा लेंगे तो भी आपको इतना फ़ायदा मिलेगा। इसमें कांटे होते हैं, इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। देखिए मैं आपको कांटे दिखा रही हूँ, मैं भी इसे तोड़ कर लाई तो थोड़ा कांटे तो बहुत सारे थे, मुझे भी एक जगह थोड़ा कांटा लगा है, तो प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। पूरी इसकी जो डंडियां हैं, इसका जो स्टेम देख रहे हैं वो कांटों से भरा हुआ है। जितना ज़्यादा फल उपयोगी उसे कई गुना ज़्यादा इसकी पत्तियां उपयोगी हैं। आप चाहें तो एक गिलास पानी में इसकी 2 पत्तियों को रात भर भिगा कर रखें, सुबह उठकर बेर की पत्ती का पानी आप पी लें, पेट की चर्बी कम होगी। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं इसकी पत्तियां। एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने के कारण शरीर में यदि किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, दांत खाज खुजली की परेशानी है दोस्तों, वहाँ पर भी इसकी पत्तियों को पीस कर आप उसका लेप लगा लें। वैसे दोस्तों जो बेर का फल होता ना, जैसे सुपारी होती ना, सुपारी के जैसा होता है छोटा छोटा बेर का बेर, आपने खाया ही होगा, हम सभी खाते हैं, परंतु ये 2-3 महीने ही आता है मार्केट में, उसके बाद पूरे साल हमें बेर खाने नहीं मिलता है। क्यों ना हम इन पेड़ की पत्तियों का प्रयोग जाने कि किस तरह से इनकी पत्तियों का हमें प्रयोग किन बीमारियों में करना है। पूरे विश्व में पाया जाने वाला ये जो फल है, ये जो पेड़ है दोस्तों, हर जगह आपको आसानी से मिल जाएगा। हो सकता है आपके घर के आसपास सड़कों के किनारे बेर का पेड़ लगा हो, वैसे लगा रहता है। तो सुपारी के जैसे इसके जो फल होते हैं दोस्तों, और इसकी कई प्रजातियां होती हैं, जैसे जंगली बेर, झरबेर, ऐसे
बहुत सारे इसकी प्रजातियां होती हैं, खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, पोषक तत्वों से भरपूर है इसका फल, इसकी पत्तियां। यहाँ पर इसकी मैंने कुछ पत्तियों को धो लिया है और इसे पीस रही हूँ। तो मैंने इसका फाइन पेस्ट मुझे इमाम दस्ते में डाला तो बहुत फाइन पेस्ट तो नहीं बना, इसलिए मैंने इसे ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। इसे ग्राइंड करके आप इसका फाइन पेस्ट बना लें, किसी भी तरह के चर्म रोग में आप इसका पेस्ट लगा लें, शरीर के उस अंग पर लगाएं जहां पर बाल तोड़ हुआ है, इसकी पत्तियों का पेस्ट, ये इतना गुणकारी है। पोषक तत्वों की बात करें तो इसकी पत्ती और फल में विटामिन मिनरल ढेर सारे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, कई बीमारियों से हमें बचाता है, हमें लंबे समय तक निरोगी रखता है और वज़न को घटाने के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। कमर व पेट की चर्बी, इसकी एक पत्ती को खा लें या फिर गर्म पानी के साथ लेंगे, वैसे वज़न घटाने के लिए गर्म पानी के साथ ही लें। इस पेस्ट को देखिए मैंने ग्राइंडिंग जार में डाला है, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं इसे क्रश नहीं कर पा रही थी माम दस्ते में, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। कभी कभी हाथ पैरों में, पैरों के तलवे में हमारी बहुत ज़्यादा हमें जलन होती है, जब इस तरह से जिन्हें हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जलन होती है, आप अपनी हथेलियों में इसका लेप लगा लें। इसके अलावा इसका लेप आप फंगल इन्फेक्शन पर लगा लें, आपका फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा दोस्तों, ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसके पत्ते दोस्तों। इसके अलावा आँखों में यदि आपके फुंसी हो गई है, गुहेरी हो गई है दोस्तों, तो आप बेर की टहनी को पानी में घिस कर उसका पेस्ट थोड़ा सा आँखों की फुंसी या गुहेरी पर लगा लें, वो ठीक हो जाएगा। हाथ और पैरों में जलन है, इसकी पत्तियों के लेप पेस्ट को इस तरह से फैला कर लगा लें, 15-20 मिनट लगा कर रखें, आपको इतना आराम मिलेगा। एक बार के इस्तेमाल से ही हाथ पैरों के तलवे में जो जलन होती है उससे आपको बिल्कुल ही निजात मिलेगी। तो इसका लेप लगा कर रखें। इसके अलावा जिन्हें हाथ पैरों में जलन होती है उन्हें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं दोस्तों, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों जिन्हें बहुत ज़्यादा दस्त की समस्या है, दस्त के समय लूज मोशन हो रहे हैं, तब आप इसकी एक पत्ती को थोड़े से जीरे के साथ खा लें, वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। बालों के झड़ने से परेशान है, इसकी पत्तियों के रस में थोड़ा सा नारियल तेल मिलाकर उस रस को लगा लें, आपको तुरंत ही राहत मिलेगी। आप चाहें तो बेर की पत्तियों का काढ़ा बना सकते हैं जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया उबालकर, या बेर की पत्तियों को पीसकर गर्म पानी में एक चम्मच इस पेस्ट को डालकर छानकर भी पी सकते हैं वज़न घटाने के लिए, ये इतना फ़ायदेमंद है। और फुंसी के लिए मैंने आपको बता ही दिया गुहेरी ठीक होगी, तो ये बहुत ज़्यादा औषधि गुणों से भरपूर है, आयुर्वेद में इसकी पत्तियों का, इसके फल का बहुत ज़्यादा महत्व है। जिस बच्चे को बोलने में परेशानी होती है उन्हें केवल इसकी एक छोटी सी पत्ती को चबाकर खाने बोलें, आवाज़ खुलेगी, खुलकर आवाज़ आएगी, बैठा गला ठीक होगा और जीरे के साथ एक पत्ती खाने से दस्त की समस्या दूर होगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।